बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ इन्फीरियर कॉलिकुलस की बात की थी। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस। अब ये जो सुपीरियर कॉलिकुलस का लेवल होता है, इधर से बेसिकली हमारे पास थर्ड क्रेनियल लब ओरिजिनेट होती है। डायग्राम में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो सुपीरियर कॉलिकुलस, ये जो स्वेलिंग प्रेजेंट है, दिस वन इज द सुपीरियर कॉलिकुलाई। अब इसके लेवल पे जो नर्व निकल रही है, दिस वन इज द थर्ड क्रेनियल नर्व, या जिसको हम बोलते हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व। इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि एंटीरियर एस्पेक्ट पर ये जो नर्व निकल रही है, दिस वन नर्व इज द ऑक्यूलोमोटर नर्व। उसके अलावा ये इंटरपेडंकुलर फोसा के थ्रू में जो परफोरेटिंग सब्सटेंस होता है उसके थ्रू ये निकल रही होती है। अब हम इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पोस्टीरियरली हम देख सकते हैं कि दो एलिवेशंस प्रेजेंट हैं। अब ये जो दो एलिवेशंस प्रेजेंट हैं, ये जो सुपीरियर कॉलिकुलस का न्यूक्लियस होता है उसकी वजह से प्रेजेंट है, यानी न्यूक्लियस ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस की वजह से पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर ये दो स्वेलिंग प्रेजेंट है। उसके अलावा जब हम एंटीरियर एस्पेक्ट पर आते हैं तो हमें पता है कि क्रस्ट सेरिब्राए प्रेजेंट होते हैं और उनके दरमियान हमारे पास इंटरपेडंकुलर फोसा की वजह से ये वाला डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। इसको हम इस डायग्राम से भी देख लेते हैं कि ये जो डिप्रेशन प्रेजेंट है, ये इंटरपेडंकुलर फोसा की वजह से प्रेजेंट है। उसके अलावा सेंटर में हमें पता है कि ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर से जा रही होती है सेरिब्रल एक्वीडक्ट या फिर डक्ट ऑफ सिल्वियस। इसके अलावा हमें पता है कि यहाँ पर सब्सटेंशिया नाइग्रा प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं, दी स्ट्रक्चर आर कॉल्ड द क्रस्ट सेरिब्रा, और क्रस्ट सेरिब्रा के पीछे सब्सटेंशिया नाइग्रा प्रेजेंट है, और सब्सटेंशिया नाइग्रा के बिहाइंड और जो सेरिब्रल एक्वीडक्ट है इसके फ्रंट पे, यानी ये जो रीजन है, इस रीजन को हम बोलते हैं टेगमेंटम, और जो सेरिब्रल एक्वीडक्ट के बिहाइंड प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं टेक्टम। यानी ये टेक्टम है, ये टेगमेंटम है, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा है, और ये क्रस्ट सेरिब्रा है। अब ये जो तीन स्ट्रक्चर हैं, यानी टेगमेंटम, सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड द क्रस्ट सेरिब्रा, इनको हम बोलते हैं सेरिब्रल पेडंकल्स। एक इस साइड पर प्रेजेंट है और एक साइड पर प्रेजेंट। अब हम जो इसके अंदर ग्रे मैटर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सेंटर में हमें पता है कि सेंट्रल ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। इधर हमने बात की थी कि हमारे पास प्रेजेंट था इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर मीसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजमाइनल नर्व। तो जब हम सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर बात करते हैं तो इधर भी हमारे पास प्रेजेंट होता है मीसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजमाइनल नर्व। अब ये मीसेंसेफेलिक न्यूक्लियस बेसिकली आता कहाँ से है कि हमने डिस्कस किया था कि जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व या ट्राइजमाइनल नर्व थी, उसका मेन सेंसरी न्यूक्लियस प्रेजेंट था पॉन्स के अंदर। उसके ऊपर से इसका एक और न्यूक्लियस जा रहा था इनटू द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को हम मीसोसेफेलॉन भी बोलते हैं। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस जाएगा उसको हम कहते हैं मीसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजमाइनल नर्व। उसके अलावा नीचे की तरफ एक्सटेंड कर रहा होता है एक न्यूक्लियस, उसको हम बोलते हैं स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजमाइनल नर्व। तो ये हमने बात कर ली मीसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजमाइनल नर्व की। उसके अलावा उसके वेंट्रोमीडियली, यानी आगे की तरफ और थोड़ा सा मीडियली हमारे पास प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ऑफ द ऑक्यूलोमोटर नर्व। उसके अलावा एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड न्यूक्लियस होता है एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। ये जो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस होता है वो भी इस रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इस जो थर्ड क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस है, इधर से हम निकालेंगे थर्ड क्रेनियल नर्व को, या जिसको हम बोलते हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व। तो ये कौन सी नर्व होगी? ऑक्यूलोमोटर नर्व। जो ट्रोक्लियर नर्व थी वो बेसिकली हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट से निकाल रहे थे, और ये जो वाली जो नर्व है ये बेसिकली हम एंटीरियर एस्पेक्ट से निकाल रहे हैं। इसके अलावा हमें इसका जो मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर है सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल का, वो होता है बेसिकली रेड न्यूक्लियस। दीज आर द रेड न्यूक्लियस। अब ये रेड क्यों होते हैं? क्योंकि इसका बिकॉज दे आर द हाईली वस्कुलर, ये हाईली वस्कुलर होते हैं जिसकी वजह से इनका कलर रेड होता है। उसके अलावा हमने बेसिकली जो इन्फीरियर कॉलिकुलस था उधर चार लेमिनिस्काई को डिस्कस किया था। दिस वन इज द मीडियल लेमिनिस्कस, दिस वन इज द ट्राइजमाइनल लेमिनिस्कस, दिस वन इज द
स्पाइनल लेमिनिस्कस एंड दिस वन इज द लेटरल लेमिनिस्कस। अब ये जो सुपीरियर पॉलीग्रस का लेवल है, इधर हम थ्री लेमिनिस्कस ड्रॉ करेंगे। क्यों थ्री ड्रॉ करेंगे? क्योंकि जो लेटरल लेमिनिस्कस होता है वो बेसिकली टर्मिनेट कर जाता है इन टू द इन्फीरियर कॉलिकुलस। क्योंकि ये इन्फीरियर कॉलिकुलस और जो लेटरल लेमिनिस्कस होता है ये दोनों ऑडिटरी पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो ये इधर टर्मिनेट कर गया तो ये सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर नहीं आएगा। यानी सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर हमारे पास आएगा मीडियल लेमिनिस्कस, उसके अलावा ट्राइज माइनर एंड द स्पाइनल लेमिनिस्कस। दिस वन इज द मीडियल लेमिनिस्कस, दिस वन इज द ट्राइज माइनर लेमिनिस्कस एंड दिस वन इज द स्पाइनल लेमिनिस्कस। इसी तरह दूसरी साइड पर भी आ जाएंगे। अब उसके दोनों साइड्स पर हमें पता है कि रेटिकुलर फॉर्मेशन भी प्रेजेंट होती है। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होती है? ये एक थ्रू आउट द ब्रेन स्टेम हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज एंड सेल फाइबर्स होती हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जगा के रख देती है। ये कंटिन्यूसली सिग्नल्स भेज रहे होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स को फॉर इस कॉन्शियसनेस। उसके अलावा जो सुपीरियर कॉलिकुलस के न्यूक्लियस होती हैं उनके थोड़ा सा एंटीरियरली और मीडियली हमारे पास दो और न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। दीज न्यूक्लियाई आर कॉल्ड द प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई, दीज न्यूक्लियाई आर कॉल्ड द प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई। अब ये जो प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई होती हैं इनके अंदर से कुछ फाइबर्स निकलते हैं जो कि बनाते हैं पोस्टीरियर कमीशर। अब ये जो पोस्टीरियर कमीशर होता है ये बेसिकली कनेक्ट कर रहा होता है दो सुपीरियर कॉलिकुलस, यानी दो सुपीरियर कॉलिकुलाई को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है पोस्टीरियर कमीशर। उसके अलावा ये जो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस होता है ये भी विजुअल सिस्टम के अंदर ही इन्वॉल्व होता है, और जो सुपीरियर कॉलिकुलस की न्यूक्लियस होती हैं ये भी विजुअल पाथवे के अंदर ही इन्वॉल्व होती है। उसके अलावा जो न्यूक्लियस ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस है ये कनेक्ट होता है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के साथ, दिस वन इज द लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के साथ कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर ब्रेकियम, दिस वन इज द सुपीरियर ब्रेकियम। And these are the lateral geniculate body। इसी तरह यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो ये हमने बात कर ली इसके कनेक्शन की। अब ये जो पाथवे है ये भी बेसिकली विजुअल सिस्टम के अंदर ही इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा कुछ डिकसेशन हमारे पास हो रही होती हैं। कौन कौन सी डिकसेशन हो रही होती है? वेंट्रली हमारे पास हो रही होती है जो टेक्टोस्पाइनल ट्रैक पढ़ा था हमने यहाँ पे, उसकी डिकसेशन हो रही होती है। उसके अलावा जो रुब्रोस्पाइनल ट्रैक होता है उसकी भी यहाँ पर डिकसेशन हो रही होती है। तो ये हमने बात कर ली ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस। एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया। पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर हम दो स्वेलिंग्स ड्रॉ करेंगे विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द सुपीरियर कॉलिकुलस। उसके अलावा सेंटर में हम ग्रे मैटर ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर सेंट्रल सेरिब्रल डक्ट को ड्रॉ करेंगे। उसके अलावा उसके लेटरली हमने दो न्यूक्लियाई को ड्रॉ किया, मेसेनफैलिक न्यूक्लियाई ऑफ द ट्राइजमाइनल नर्व। वेंट्रो मीडियली हमने ड्रॉ किया ऑक्युलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस, और उसकी उसके अलावा जो अडिंगर वशपाल न्यूक्लियस होता है उसको ड्रॉ किया। जब हम एंटीरियर एस्पेक्ट पर आते हैं तो क्रस्ट सेरिब्रा प्रेजेंट होता है जिनके दरमियान इंटरपेडंकुलर फोसा प्रेजेंट होता है, यहाँ पर सब्सटेंशिया नाइग्रा प्रेजेंट होता है। उसके आगे क्रस्ट सेरिब्राई प्रेजेंट होते हैं जिनको हम थ्री रीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सेंटर में हमें पता है कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के फाइबर जा रहे होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फ्रंटोपोन्टाइन फाइबर्स जा रहे होते हैं, इसको हमने इन्फीरियर कॉलिकुलस की वीडियो में भी डिस्कस किया था। उसके अलावा पोस्टीरियर एस्पेक्ट या लेटरल एस्पेक्ट पर हमारे पास जा रहे होते हैं टेम्पोपोन्टाइन फाइबर्स, उसके अलावा ओसीपिटोपोन्टाइन फाइबर्स, और उसके अलावा पैराइटोपोन्टाइन फाइबर्स इसी तरह यहाँ पर भी जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होंगे रेड न्यूक्लियाई विच आर हाईली वास्कुलर, जिसकी वजह से वो रेड नज़र आती हैं। यहाँ से हमारे पास निकलेगी ऑक्युलोमोटर नर्व जो कि इंटरपेडंकुलर फोसा में जो परफोरेटिंग सब्सटेंस होता है उसके थ्रू बाहर आएगी। उसके अलावा थ्री लेमिनिस्कस ड्रो करेंगे, मीडियल लेमिनिस्कस, ट्राइज माइनर एंड द स्पाइनल, ट्राइज माइनर एंड द स्पाइनल। उसके अलावा प्रीटेक्टल न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे जो कि फाइबर देता है जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर कमीशर, या पोस्टीरियर कमीशर इन दो कॉलिकुलाई को कनेक्ट कर रहा होता है। उसके अलावा हमारे जो सुपीरियर कॉलिकुलस के न्यूक्लियस होते हैं वो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के साथ कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर ब्रेकियम। तो ये हमने उसके अलावा डिकसेशन हो रही होती है टेक्टोस्पाइनल एंड रुब्रोस्पाइनल ट्रैक्स की।
उसके अलावा रेटिकुलर फॉर्मेशन भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ये हमने बात कर ली ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मिडब्रेन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकस। अब हम इसकी थ्योरी की बात कर लेते हैं। अब ये जो ग्रे मैटर है, सेंट्रल ग्रे मैटर में हमारे पास प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ऑक्लोमोटर ना डिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस इन द वेंट्रोमीडियल एस्पेक्ट। वेंट्रोमीडियल थोड़ा सा आगे की तरफ प्रेजेंट है और मीडियली प्रेजेंट है। उसके अलावा मीजोस्पेरिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजमाइनम ना थोड़ा सा लैटरल एस्पेक्ट पर जा रहा है। सुपीरियर कॉलिकुलस रिसीव एफ्रंट फ्रॉम द रेटिना, ये रिसीव कर होते हैं एफ्रंट फ्रॉम द रेटिना यानी विजुअल सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इट गिव एफ्रंट टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये एफ्रंट देते हैं स्पाइनल कॉर्ड को थ्रू द टेक्टोस्पाइनल ट्रैक। जब हमने टेक्टोस्पाइनल ट्रैक की बात की थी उसमें हमने इस वाले डायग्राम को डिस्कस किया था कि जो सुपीरियर कॉलिकुलस होते हैं उसमें से कुछ एफ्रंट फाइबर्स निकलकर स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे होते हैं। अब इस ट्रैक का बेसिकली काम क्या होता है कि ये हमारे हेड और हमारी आई को मूव कर रहे होते हैं टूवर्ड्स द लाइट स्टिमुलस। यानी कोई लाइट का स्टिमुलस आता है तो हमारा हेड और हमारी जो आईज होती हैं वो उस सोर्स की तरफ मूव कर देती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि इट गिव डिफरेंट टू द स्पाइनल कॉर्ड बाय द टेक्टोस्पाइनल ट्रैक जो कि कंट्रोल करती हैं रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई एंड हेड ऑफ नेक एंड नेक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल स्टिमुलाई। नेक्स्ट प्रीटेक्टल न्यूक्लियस आता है जो कि प्रेजेंट होता है डीप टू द सुप्रोलेटरल पार्ट ऑफ द सुपीरियर कॉलिकुलस। सुपीरियर कॉलिकुलस के सुप्रोलेटरल यानी थोड़ा आगे और लेटरल एस्पेक्ट पर प्रेजेंट होता है प्रीटेक्टल न्यूक्लियस। इसके अलावा ये रिसीव करता है एफ्रंट फ्रॉम द लेटरल रूट ऑफ द ऑप्टिक ट्रैक। जब हम ऑप्टिक ट्रैक की बात करते हैं तो जिसकी लेटरल रूट होती है वहाँ से ये एफ्रंट्स को ले रहा होता है और ये एफ्रंट को देता है एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस को ऑफ बोथ साइड। यहाँ पे ही एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको ये एफ्रंट्स को दे रहा होता है। उसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट पाथवे होता है फॉर द लाइट रिफ्लेक्सेस एंड द कंसेंसुअल रिफ्लेक्सेस। अब इसका कोई लेजन हो जाए तो हमारे पास एक डिजीज हो जाता है जिसको हम बोलते हैं अर्गाइल रॉबर्टसन प्यूबिल। इसके अंदर क्या होता है कि जो राइट रिफ्लेक्स होता है वो लॉस्ट हो जाता है और कॉमोडेशन रिफ्लेक्स क्या रहता है इंटैक्ट रहता है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं रेड न्यूक्लियस की। रेड न्यूक्लियस को हमने यहाँ पर देखा था ये एफ्रंट को रिसीव करते हैं फ्रॉम द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से ले रहे होते हैं। उसके अलावा ग्लोबस प्लाइडस, ये ग्लोबस प्लाइडस का चीज़ होती है ये बेसिकली बेजल न्यूक्लियाई होते हैं जो कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा सबथैलेमस भी बेसिकली हम डिस्कस करेंगे लिम्बिक सिस्टम के अंदर। उसके अलावा सेरिब्रल कॉर्टेक्स ये एफ्रंट्स को देते हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम रूब्रोस्पाइनल ट्रैक बोलते हैं। उसके अलावा रेटिकुलर फॉर्मेशन को, थैलेमस को और इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस को, सब थैलेमस को। अब ये जो रेड न्यूक्लियस होता है इसका मसल टोन के ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम सब्सटेंशिया नाइग्रा की बात कर लेते हैं। तो जो सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है वो बेसिकली डार्कली पिगमेंटेड नर्व फाइबर से बना होता है, इसकी वजह से इसका कलर डार्क होता है। नेक्स्ट वाइट मैटर की बात करें तो क्रस्ट सेरिब्राई के अंदर हमारे पास सेम ट्रैक्स होते हैं जो कि हमने इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर डिस्कस किए थे कि सेंटर के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक एंड कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक। मीडियल एस्पेक्ट पर प्रेजेंट होते हैं फ्रंटोपोन्टाइन फाइबर्स और लेटरल एस्पेक्ट पर प्रेजेंट होते हैं पैराइटोपोन्टाइन, टेम्पोपोन्टाइन एंड द ऑसिबिटोपोन्टाइन फाइबर्स। टेगमेंटम की बात करें जिसमें दीज आर द टेगमेंटाई, उसके अंदर हमारे पास सेम लेमिनिस्कस होते हैं एज सीन इन द इन्फीरियर कॉलिकुलस एक्सेप्ट द लेटरल लेमिनिस्कस, क्योंकि लेटरल लेमिनिस्कस हमारे पास टर्मिनेट हो गया था इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर क्योंकि यही दोनों इन्वॉल्व होते हैं इन द ऑडिटरी पाथ। डीकस्टेशन और टेक्टोस्पाइनल टेक्टोबल्बर ट्रैक फ्रॉम द डोर्सल टेगमेंटल डीकस्टेशन, जो डोर्सली हो रही होती है डीकस्टेशन को हम बोलते हैं डोर्सल टेगमेंटल डीकस्टेशन। ये किससे लिए हो रही होती है, जो टेक्टोस्पाइनल ट्रैक होता है जो हमने यहाँ पे पढ़ा था इसकी यहाँ पर आके डीकस्टेशन हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पर हमने डीकस्टेशन को शो किया। उसके अलावा टेक्टोबल्बर, टेक्टोबल्बर वर्ड हम बेसिकली उन न्यूक्लियाई के लिए यूज़ करते हैं जो कि ब्रेन स्टेम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसके भी यहाँ पर डीकस्टेशन होगी। उसके अलावा जो वेंट्रल टेगमेंटल डीकस्टेशन है वेंट्रली, ये किस लिए हो रही होती है कि वेंट्रल एस्पेक्ट पर रूब्रोस्पाइनल ट्रैक प्रेजेंट है, उसकी यहाँ पर डीकस्टेशन से हमारे पास होती है वेंट्रल टेगमेंटल डीकस्टेशन। उसके अलावा मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस यहाँ पर प्रेजेंट है।
इसके अलावा इमर्जिंग फाइबर ऑफ द ऑक्यूलोमोटर नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व यहाँ से ओरिजिनेट करेंगे। इसके अलावा जब हम टेक्टम की बात करते हैं तो हमारे पास प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर कमीशन। पोस्टीरियर कमीशन बेसिकली प्री टेक्टल न्यूक्लियाई से निकल रहे होते हैं और ये कनेक्ट करते हैं दो सुपीरियर कॉलिकुलाई को। तो ये हमने बात कर ली ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।